इस वक्त की बड़ी खबर का भी रुख करेंगे और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की राजनीतिक उठापटक है, जिस तरह की सियासी सरगर्मी है, चलते पार्टियों के लोग दल बदल रहे हैं, पार्टियों के लोग अलग अलग जगह अपना विश्वास जता रहे हैं, सत्ता सरकार में बने रहने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें NCP में टूट फूट सबसे ताजी है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी के शिवसेना में टूट फूट हुई थी, उसके बाद अब NCP में टूट फूट हुई। तो शुरुआत कर लेते हैं NCP में, आज शक्ति प्रदर्शन का भी दिन है। जी हाँ, बड़ी खबर, NCP के दोनों गुटों ने बुला ली है बैठक आज के दिन, शक्ति प्रदर्शन का दिन, बुला ली है बैठक। शरद पवार ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, पवार ने विधायकों को खुद फोन भी किया। दोपहर 1 बजे शरद पवार अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे और 11 बजे की बात अगर कर लें तो अजीत पवार 11 बजे अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। NCP में दो फाड़ होने के बाद आज दोनों ही धड़े अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले NCP में फूट के बाद शरद पवार सातारा गए थे और महाराष्ट्र का पवार गेम, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का आज एक अहम दिन है। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत का काफी खास दिन, NCP में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है। 11 बजे अजीत पवार का गुट की बैठक होगी, अजीत पवार ने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई, NCP के दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया है, दोनों ही गुटों ने व्हिप जारी किया है अपने सांसदों और विधायकों को बैठक में शामिल होने को लेकर, दोनों ही गुटों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। अभी शक्ति प्रदर्शन की बात है, इसके बाद NCP पर कब्जे को लेकर लड़ाई भी तेज होने वाली है। उधर महाराष्ट्र में के महाभारत का असर दूसरे राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सियासत पर भी गहरा पड़ गया है। शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत में कोई गच्चा नहीं दे सकता, उन्हें इस बार भतीजे अजीत पवार ने हक्का बक्का कर दिया। शरद पवार अजीत पवार को NCP में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अजीत पवार ने ऐसा खेल किया जिससे शरद पवार सदमे में आ गए। इस वक्त सब कुछ ठीक वैसा चल रहा है जैसा साल भर पहले शिवसेना में चल रहा था।